लिखता हूं सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस एच बॉन्ड बी आर। यह हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, यह हाइड्रोब्रोमिक एसिड है, तो ये क्या होगा सी एच थ्री बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड बी आर, तो ये हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। के हाइड्रोजन और हैलोजन को हाइड्रोजन और हैलोजन को एल्कीन में ऐड कर लेते हैं, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड। अब जरा हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म क्या होगा इसके अंदर, दो स्टेप होगा। दिस मैकेनिज्म इज कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप। नंबर वन पे क्या होगा कि हमारे पास जो सी टू डबल बार सी आई टू ये अल्कीन है, ये रिएक्ट करेगी जब एच बॉन्ड एक्स से, तो फर्स्ट ऑफ स्टेप में क्या होगा जो प्रोटॉन शिफ्टिंग होगी यहां से बॉन्ड शिफ्ट फूटेगा और एक जो प्रोटॉन होगा वो शिफ्ट हो जाएगा। हमें पता है यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोफाइल जो था वो यहाँ पे अटैक करेगा, क्या हो जाएगा सी बॉन्ड सी और एक बॉन्ड ब्रेक ऑफ हो जाएगा, फर्स्ट एक एच 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 यहाँ पे आ जाएगा, एक एच यहाँ पे और एक एच यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये बॉन्ड क्या होगा ब्रेकअप हो जाएगा और यहाँ पे एच है और यहाँ पे भी एक एच है, तो यहाँ पे कार्बो कटाइन, ये फर्स्ट स्टेप है कि अटैक ऑफ प्रोटॉन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बो कटाइन, ये क्या देगा कार्बो कटाइन बनेगा। ओके फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो हैलोजन का जो प्रोटॉन होगा वो शिफ्ट होकर एल्कीन के ऊपर आ जाएगा और एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां से ये बॉन्ड क्या होगा इस एक बॉन्ड जो है वो ब्रेकअप हो जाएगा और कार्बो कटाइन बनेगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में जो कार्बो कटाइन बना है, देखिए जो एच एच और एच बॉन्ड सी बॉन्ड एच और बॉन्ड एच इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा ये जो कार्बो कटाइन बना और यहां पे जो एक्स होगा वो हैलाइड की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। ये जो हैलाइड की फॉर्म में रिमूव हुआ है हैलोजन ये क्या करेगा ये अटैक करेगा यहां पे और ये हमें क्या असर हो जाएगा अल्काइल हैलाइड असर हो जाएगा सी एच थ्री बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड एक्स और ये हमारे पास क्या होगा अल्काइल हैलाइड होगा। ये इसका मैकेनिज्म है कि फर्स्ट टाइम में अटैक का प्रोटॉन होगा और एल्कीन क्योंकि ये प्रोटॉन पॉजिटिव हेटेरो के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये एज इलेक्ट्रोफाइल होगा और ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कार्बन ये एल्कीन के ऊपर और ये हमें पास बनेगा ये कार्बो कैटायन। सेकंड स्टेप में जो होगा ये जो कार्बो कैटायन और प्लस हमारे पास जो होगा हैलाइड हैलोजन की फॉर्म में ये नेगेटिव फॉर्म एनायन रिमूव होगा। सेकंड स्टेप जो एनायन फॉर्मेशन होगी वो कार्बन के ऊपर जहां पर पॉजिटिव चार्ज है वहां पर ये अटैक करेगा और अल्काइल हैलाइड।